Hello everyone, a very good morning to all of you. Let's start today's current affairs. So, आज है 8 जुलाई और इस वीडियो में हम जितने भी important current affairs बनते हैं वो सारे discuss करेंगे. So, start करने से पहले अगर आपको videos अच्छी लगती हैं तो do like, share and subscribe my series classes. Okay, let's start. So, first question है, हाल ही में किस IIT ने online पाठ्यक्रम जारी किया है? तो हाल ही में IIT रुड़की ने ऑनलाइन पाठ्यक्रम जारी किया है. बात करें हम IIT हैदराबाद की, देखो ये दोनों करंट अफेयर्स की न्यूज़ से है, ठीक है. सो देखो, तो देखिए हाल ही में IIT रुड़की ने AI इन बैंकिंग पर अपना पहला ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया है. 4 महीने का ये कार्यक्रम है और किसके साथ मिलकर किया है? वैली NXT के साथ, ठीक है. तो बात करें ये बैंकिंग क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लागू करने के लिए IT पेशेवरों और स्नातकों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, ठीक है. और ये मौजूदा के साथ साथ हाल ही में स्नातक हुए प्रौद्योगिकी और वित्त पेशेवरों के लिए भी है. सो ये थी IIT रुड़की से न्यूज़. बात करें IIT हैदराबाद की, सो देखो हाल ही में जो DRDO है वो IIT हैदराबाद में कुछ अनुसंधान सेल स्थापित करेगा. अनुसंधान सेल का मतलब जैसे कुछ भी, जैसे DRDO देश की भविष्य की रक्षा तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए. किस लिए इसका, देखो मोटिव क्या है, भविष्य की रक्षा तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है. रिसर्च सेल का स्थापित करेगा IIT हैदराबाद में. DRDO IITH रिसर्च सेल चिन्हित प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करेगा. 3 जुलाई 2020 को इस संबंध में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया और इसमें शामिल क्या है, देखो इसके कुछ क्षेत्रों में क्वांटम प्रौद्योगिकी, रक्षा अनुप्रयोगों को लिए सेंसर आदि शामिल है, ठीक है. सो ये न्यूज़ थी IIT हैदराबाद से. सो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं कि हाल ही में DRDO ने कहाँ रिसर्च सेल स्थापित करने का निर्णय लिया, तो IIT हैदराबाद में. नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सो देखो हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, इंजिती श्रीनिवास को IFSCA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा, देखो इसकी फुल फॉर्म देख लो, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में इंजित श्रीनिवासन को नियुक्त किया है. पूर्व कॉरपोरेट मामलों के सचिव और उड़ीसा केडर के 1983 बैच के IAS अधिकारी 3 साल की अवधि के लिए IFSCA के प्रमुख होंगे. 3 साल के लिए नॉमिनेट किया गया है इनको. IFSCA को हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा 27 अप्रैल 2020 को स्थापित किया गया था, ठीक है. एंड इफ वी टॉक अबाउट अनदर ऑप्शंस लाइक क्विंटन डी कॉक, वोल्टेरी बोटास और डॉक्टर विष्णु प्रसाद, तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज दे आर ऑल्सो फ्रॉम करंट अफेयर्स. तो हाल ही में क्विंटन डी कॉक ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीता है. क्विंटन डी कॉक को क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कारों में क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया है. सो साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं कौन, क्विंटन डी कॉक, इनको कौन सा अवार्ड मिला है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर से नामित किया गया है. 2017 के बाद यह उनका दूसरा सम्मान है. सीमित ओवरों के क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय टीम के कप्तान डी कॉक को टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला, ठीक है. सलामी बल्लेबाज लारा वोलवाडर्ट को महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर और ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है. सो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना. इफ वी टॉक अबाउट अनदर ऑप्शन डॉक्टर विष्णु प्रसाद, तो डॉक्टर विष्णु प्रसाद को हाल में महानिदेशक रेलवे स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक चुना गया है. क्या डॉक्टर विष्णु प्रसाद को, डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा इनका पूरा नाम है, रेलवे बोर्ड के महानिदेशक रेलवे स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है, के रूप में कार्यभार संभाला है. इससे पहले डॉक्टर नंदा दक्षिण रेलवे के, इनके बारे में इतना जानना जरूरी नहीं है, बस इतना है कि इनको हाल में रेलवे स्वास्थ्य सेवाओं का रूप में कार्यभार संभाला है निदेशक के रूप में. नेक्स्ट, जो हमारा लास्ट ऑप्शन है दैट इज़ वोल्टेरी बोटास. तो वोल्टेरी बोटास है कौन, इन्होंने F1 ऑस्ट्रियन ग्रांप्री जीता है हाल ही में
ऑस्ट्रियन ग्रांड प्री मर्सिडीज़, देखो ये मर्सिडीज़ कंपनी की कार से कार चलाते हैं। बोटास ने जीत दर्ज की है। फेरारी के चार्ल्स लेक्लेयर ने दूसरा और मैकलेरन के लेंडो ने नॉरिस ने तीसरा स्थान हासिल किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना की शुरुआत की है? देखो नेकारा सम्मान योजना की शुरुआत करी है कर्नाटक ने, ठीक है। अगर मैं बताऊँ आपको इस स्कीम के बारे में, तो देखो इसके लिए टोटल 10.96, ये देखो नीचे 10.96 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। और अगर बात करें इसके बारे में, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बुनकर सम्मान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य में 19,744 हथकरघा बुनकरों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 2,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता मिलेगी। सो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 2,000 से मिलेगी। देखो हुआ क्या है, इनको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज करा गया है। कईयों को 2,000, कईयों को 4,000, उनको कैटेगरी वाइज दिया जाएगा, ठीक है। सो ये थी कर्नाटक से न्यूज़। सो जैसे आपको पता है कि मेरे वीडियोस में मेरे जो क्वेश्चंस के ऑप्शन होते हैं वो भी करंट अफेयर्स से होते हैं। सो देखो कर्नाटक हमने डिस्कस करा, तमिलनाडु, लद्दाख और बिहार, ये करंट अफेयर में क्यों है? देखिए तमिलनाडु न्यूज़ में इसलिए है, हाल ही में तमिलनाडु के जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, जबकि उनके राज्य के खिलाड़ी M प्रणेश और गोवा के ओमिया ओडी ने अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब अर्जित किया है। सो तमिलनाडु की न्यूज़ में आपको पता चल गया होगा, जी आकाश को याद रखना, अब हमारे 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। हाल ही में आयोजित वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासभा, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासभा की दूसरी परिषद की बैठक में आकाश के GM खिताब की पुष्टि की गई है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इफ़ वी टॉक अबाउट लद्दाख, वाई इट इज़ इन न्यूज़, सो उपराज्यपाल RK माथुर, कौन है RK माथुर, ने राजनिवास लद्दाख में लद्दाख और लद्दाख ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट के मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव को ई लॉन्च किया है, ठीक है। सो एक बार इसकी फुल फॉर्म देख लो, बस इसको शॉर्ट में मोदी बोला गया है, मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। 2019 में LAHDC ले द्वारा शुरू की गई परियोजना मोदी जैविक उत्पादन को कृषि उत्पादन प्रणाली में पेश करने के लिए एक विकास परियोजना है, ठीक है। सो लद्दाख से न्यूज़ पता चल गई आपको। हाल ही में बिहार न्यूज़ में क्यों है? देखो बिहार ने हाल ही में बच्चों को अनाज देने का निर्णय लिया है। बिहार सरकार ने राज्य भर में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 2 करोड़ से अधिक बच्चों को तालाबंदी, लॉकडाउन और गर्मी की छुट्टी के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के तहत अनाज और नकद राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। मई, जून और जुलाई 2020 तक कक्षा 5 तक के प्रत्येक छात्र को 8 किलोग्राम खाद्यान्न और 358 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। कक्षा 8 तक के छात्रों को 12 किलो खाद्यान्न और 536 रुपये मिलेंगे। सो ये थी बिहार से न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य में ई पंजीकरण सेवाओं को अनिवार्य कर दिया गया है? सो हाल ही में किस राज्य ने कर दिया है ये? पंजाब ने। सो देखिए पंजाब में राज्य सभी यात्रियों के लिए ई पंजीकरण की प्रक्रिया 6 जुलाई 2020 से अनिवार्य कर दी गई है। यात्रियों को राज्य में प्रवेश करने से पहले कोवा ऐप के माध्यम से या राज्य सरकार के अधिकारी वेब लिंक के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। और ये किया क्यों गया है? देखो ई पंजीकरण उद्देश्य सीमा चौकियों पर भीड़ और लंबी कतारों के कारण यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा से बचाना है। सो देखिए ये इसलिए किया जाता है क्योंकि लोगों को वहाँ भीड़ ना हो, बॉर्डर पे जो स्टेट है, जो स्टेट का सीमा होती है उसके बॉर्डर पे भीड़ ना हो, ठीक है। सो ये था पंजाब से। इफ़ वी टॉक अबाउट अनदर ऑप्शंस लाइक पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर एंड महाराष्ट्र, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। देखिए पश्चिम बंगाल में पहली बार प्लाज्मा बैंक स्थापित किया जाएगा,
पहले दिल्ली में हुआ था ये प्लाज्मा बैंक, ठीक है। प्लाज्मा पश्चिम बंगाल में कोविड रोगियों के उपचार के लिए पहली बार प्लाज्मा बैंक कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आया है, ठीक है। इसके अलावा प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन कोलकाता संक्रामक रोग अस्पताल को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बनाएगा और स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन को भी अपग्रेड किया जाएगा। सो बेसिकली इम्पोर्टेंट इतना है कि हाल में प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहाँ हो रही है, किस राज्य में हो रही है। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर न्यूज़ में क्यों है, मैंने ऑप्शन में क्यों लिया है, तो देखिए दरबार मूव कार्यालयों को औपचारिक रूप से खोला गया। मतलब क्या इसका, जम्मू और कश्मीर में दरबार मूव कार्यालय को औपचारिक रूप से 6 जुलाई 2020 को श्रीनगर में खोला गया। दरबार मूव पहले 2020 की शुरुआत में श्रीनगर में खुलने वाले थे। नागरिक सचिवालय जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह कार्यात्मक बना रहेगा और कर्मचारियों को अस इस वेयर इस क्या है, अस इस वेयर इस के आधार पर काम करना होगा। इससे हमने पश्चिम बंगाल को डिस्कस करा, पंजाब को डिस्कस करा, जम्मू कश्मीर को डिस्कस करा, बट महाराष्ट्र को डिस्कस नहीं किया। महाराष्ट्र न्यूज़ में क्यों है, देखो महाराष्ट्र ने हाल ही में क्या करा है, महाजॉब पोर्टल, एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है महाजॉब पोर्टल, जिसपे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं और जो एम्प्लॉयमेंट देने वाले होते हैं दोनों अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। महाराष्ट्र ने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने पाम हिम के एयरबेस के एक लॉन्च पैड से कक्षा में 16 नए स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। देखो ये मैंने न्यूज़ कल भी डिस्कस करी थी कि ईरान ने इसराइल पे वो एक आरोप लगाया था, मैंने बताया था कि ये मीडिया के थ्रू है, मीडिया ने फैलाया था, बट अब ये ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि वो कह रहा है कि इसराइल हमारे एयरबेस पे, हमारे जो परमाणु हथियारों के रखे हुए हैं वहाँ पे, उन बेसिस पे नज़र रखने की कोशिश कर रहा है। तो हाल ही में इसराइल ने 16 नए स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। कितने, 16, किसने किए, इसराइल ने। देखिए हाल ही में इसराइल ने किए हैं, इसका नाम क्या है, नाम है ओफेक 16 उन्नत, ओफेन ओफेक 16 उन्नत। देखो बात करें तो ये पहले इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टॉही उपग्रह है, ठीक है। ये 2017 में फ्लोरिडा से उड़ान भरने वाले स्पेस कॉम MO-17 के बाद इजरायली उपग्रह का पहला प्रक्षेपण था। उपग्रह का पेलोड एल्बिट सिस्टम द्वारा विकसित किया गया था। ये थी इसराइल से न्यूज़। हाल ही में इसराइल ने 16 सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। हमने इसराइल को डिस्कस कर लिया, डिस्कस करते हैं हम बांग्लादेश, इंडोनेशिया और ईरान, ये न्यूज़ में क्यों है हाल ही में। ईरान, देखो हाल ही में ईरान की नटांज परमाणु सुविधा में लगी आग, हाल ही में ईरान की नटांज परमाणु सुविधा में आग लगने में एक महत्वपूर्ण क्षति हुई है, जो उन्नत केंद्र पसारक के विकास को धीमा कर सकती है। ईरान क्षतिग्रस्त इमारत को बड़ी इमारत से बदल देगा जिसमें अधिक उन्नत उपकरण होंगे, ठीक है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश न्यूज़ में क्यों है, देखो हाल ही में बांग्लादेश वर्ष 2020 के लिए नवीनतम सतत विकास सूचकांक SDG में 7वें स्थान पर चला गया है, ऊपर चला गया है, 7 स्थान ऊपर चला गया है, कौन, बांग्लादेश। अब अगर आप बात करो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमारा क्या स्थान है या टॉप किसने किया है, तो देखो स्वीडन ने टॉप किया है, ठीक है। पहले इसको पढ़ लो, देखो एक बार, उन 166 देशों में जिनके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक तैयार किया गया था, बांग्लादेश वर्ष 2019 में 116वें स्थान की तुलना में 109वें स्थान पर है। बात करें टॉप किसने किया है, तो स्वीडन ने 84.7 के समग्र स्कोर के साथ सूचकांक में सबसे ऊपर रखा गया, जबकि बांग्लादेश का स्कोर 63.5 है। बात करें इंडिया कहाँ था इसमें, इंडिया था 170वें नंबर पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया हाल ही में न्यूज़ में क्यों है, तो देखो ICG और इंडोनेशिया कोस्ट गार्ड के बीच एक समझौता हुआ है। भारतीय तटरक्षक
और इंडोनेशिया तटरक्षक के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये समुद्री कानून प्रवर्तन, समुद्री खोज बचाव और समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया के क्षेत्र में सहयोगी और सहकारी भागीदारी बढ़ाएगा। इससे पारस्परिक समुद्री अपराधों से निपटने और समन्वित खोज की सुविधा आदि की जानकारी का आदान प्रदान होगा। सो ऑब्वियसली आपको ही पता होता है कि जब किसी के भी समझौता होता है तो वो क्यों होता है। छोटी छोटी सेवाओं को या बड़ी बड़ी सेवाओं को उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए होता है, तो ये भी इसीलिए हुआ है। नेक्स्ट, इससे हमने इसराइल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और ईरान चारों को डिस्कस कर लिया। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। सो सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? SP कोचर को। ठीक है, तत्काल के प्रभाव में अपना महानिदेशक चुना गया है। कोचर राजन एस मैथ्यूज के से पदभार संभालेंगे, ठीक है, जिन्होंने एक दशक तक उद्योग मंडल के प्रमुख के रूप में कार्य किया है। ठीक है, सो सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, COAI इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, सो याद रखना। सो डिस्कस करते हैं बाकी सारे ऑप्शंस को। सो SP कोचर डिस्कस कर चुके हैं हम। आकाश वही है जो तमिलनाडु से अभी 66 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं एनिनियो मेरिकॉन और विश्व रंजन सारंगी की। देखो, इतालवी के म्यूजिशियन थे, संगीतकार थे, कौन? एनिनियो मेरिकॉन का हाल ही में निधन हो गया है। सो क्वेश्चन सिर्फ इतना आ सकता है कि वो कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे। जुलाई 2020 में ऑस्कर विजेता इतालवी संगीतकार एनिनियो मेरिकॉन का निधन हुआ है। उनका कैरियर दशकों तक चला और 2007 में उन्हें लाइफ टाइम ऑस्कर भी मिला हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन, इस क्वेश्चन से हमने SP कोचर को डिस्कस कर लिया, एनिनियो मेरिकॉन को डिस्कस कर चुके हैं और आकाश को भी डिस्कस कर चुके हैं। बात करें विश्व रंजन सारंगी की, तो इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने SDG सूचकांक 2020 को टॉप किया है? ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्वीडन ने टॉप किया है। इंडिया 117th रैंक पे है। ठीक है, सो ये तो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिनके क्वेश्चंस मैंने नहीं बनाए। वेंकट नायडू ने सुपर ऐप एनलाइटमेंट्स लॉन्च किया है। ये हमारे भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन एनलाइटमेंट्स है। 5 जुलाई 2020 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किया गया है। ऐप को 1000 से अधिक IT पेशेवरों द्वारा बनाया गया है। सो ये क्यों बनाया गया है? बेसिकली देखो, इंडिया के अभी हाल ही में के चाइना के बहुत सारे ऐप उन्होंने बैन कर दिए हैं, और हाल ही में क्या हुआ है, अमेरिका ने क्या किया है। देखो, दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बता रहा हूँ, ठीक है, इंडिया से रिलेटेड करंट अफेयर्स न्यूज़ है, आ सकती है। अमेरिका ने हाल ही में क्या डिसीज़न लिया है, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने वाले जितने भी विदेशी नागरिक हैं, ठीक है, उनको भारत या वो जहाँ के भी हैं, स्वदेश, उनके स्वदेश वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हाल ही में कुवैत में एक कोटा, एक विधेयक आया है, क्या? एक्सपेट कोटा विधेयक, जिसके कारण 8 लाख भारतीयों के रोजगार पर खतरा है। सो ये क्यों हो रहा है? सो देखिए, बेसिकली अगर इंडिया किसी को हिट करता है तो वहाँ से हिटबैक आएगा। एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। सो इंडिया ने चाइना के 59 ऐप बैन किए हैं। सो अब इंटरनेशनल रिलेशनशिप में थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी, ये आप सबको भी पता है। ठीक है, सो ये मैंने एक न्यूज़ ये बताई एनलाइनमेंट्स ऐप की, सोशल मीडिया, भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप है, सुपर एप्लीकेशन है। ठीक है, और दो वो बताई, एक कुवैत से बताई और एक अमेरिका से। ठीक है, फिर बात करते हैं, हाल ही में विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया है 6 जुलाई को। विश्व जूनोसिस दिवस हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है। जूनोसिस एक संक्रामक रोग है जो केश रुक जानवरों से मनुष्य में फैलता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। वर्ल्ड बैंक ने डिसीजन लिया है हमारे इंडिया की, हमारे जो इंडिया की इकोनॉमी में है या MSME उद्देश्य जो MSME है हमारे, उनको डेवलप करने के लिए। सो उन्होंने हाल ही में, विश्व बैंक ने $750 मिलियन अनुबंध किया है। ठीक है, आयुर्वेद ने कोरोना वायरस रोगियों को ठीक किया गया है। आयुर्वेद कर्नाटक में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर गिरिधर काजे
ने बेंगलुरु में COVID-19 इलाज के लिए आयुर्वेद दवाओं का नैदानिक प्रशिक्षण किया। ट्रायल को बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज ऑफ एथिक्स कमेटी ने मंजूरी दी थी। यह विक्टोरिया कोविड अस्पताल में 10 कोविड पॉजिटिव रोगियों पर किया गया था। आयुर्वेद की गोलियों का क्लिनिक ट्रायल कारगर साबित हुआ है हाल ही में, तो ये गुड न्यूज़ हो सकती है। माई लैब ने एक मिशन लॉन्च किया है। क्या माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने COVID-19 के लिए RT-PCR परीक्षणों सहित आणविक नैदानिक परीक्षणों की मैनुअल प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए एक मशीन लॉन्च की है। यह मशीन 13 जुलाई से प्री ऑर्डर करने के लिए उपलब्ध होगी। भारत की पहली NPNT अनुरूप ड्रोन फ्लाइट AIT-200 रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम पर भारत की पहली नो परमिशन नो टेक ऑफ से लैस ड्रोन की उड़ान सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। कर्नाटक के तुमकुर के पास DGCA द्वारा पहचाने गए ग्रीन जोन में उड़ान भरी गई थी। यह ऑनलाइन परीक्षण और अनुमति प्रणालियों में एक महत्वपूर्ण सफलता को चिन्हित करता है। हाल ही में यस बैंक ने क्या किया है, तत्काल ऋण सुविधा शुरू की है। जो उनके परमानेंट कस्टमर हैं, जो उनके एक्टिव कस्टमर्स हैं, उनको वो ऑनलाइन एक परफॉर्मा भेजेंगे। परफॉर्मा में डिटेल भरनी पड़ेगी और उनको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराने पड़ेंगे। उनको कुछ सेकेंड्स में ही लोन मिल सकता है। लोन इन सेकेंड्स इसका नाम है, ठीक है। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखो। हाल ही में HP हिमाचल प्रदेश इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि 100% LPG, हर घर में 100% LPG स्थापित करने वाला स्टेट कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। फिर बात करें असम न्यूज़ में क्यों था, देखो हाल ही में असम ने क्या करा है, जो देहिंग पतकई वन्य जीव अभ्यारण था उसको राष्ट्रीय उद्यान बनाने का निर्णय लिया है। सो ये थे आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, करंट अफेयर्स समझ में आ रहे होंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय सीरीज क्लासेस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।